नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट में। आज की डेट 20 मार्च 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का। आज से ये सेशन डेली शाम को 8 बजे किया जाएगा, जिसमें आपको दिन भर की जो भी तमाम करंट अफेयर्स होंगी उनके सारे करंट अफेयर्स क्यूज क्वेश्चन आंसर के रूप में मिलेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत और इजराइल के द्वारा हाल ही में 16479 LMG मशीन खरीदने के लिए एक रक्षा सौदा किया गया है या डील की गई है, तो वो कितने रुपए की डील है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन जो है वो ए सही है। इसमें 880 करोड़ की डील है ये भारत और इजराइल के बीच में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत और इजराइल के साथ कौन सी मशीन खरीदने के लिए, तो LMG मशीन गन्स या LMG मशीन गन्स की खरीद जो है भारत किस देश से कर रहा है, तो ये भारत और इजराइल के बीच की डील है। ठीक है, इजराइल के बारे में कुछ फैक्ट। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति हैं रूबेन रिवलिन। इसराइल की जो मुद्रा है वो इसराइली नई सेकल जो है, ये मुद्रा है इसराइल की, आप तस्वीर देख सकते हैं, नई सेकल या सेकल जिसको हम कहते हैं वो इसराइल की मुद्रा है। नए उद्यमियों के लिए सिडबी द्वारा निम्न में से किस एक विशेष रेलगाड़ी का आरंभ किया गया है, तो ये स्वावलंबन एक्सप्रेस है। ऑप्शन सी सही है इसका, स्वावलंबन एक्सप्रेस चलाई गई है सिडबी के द्वारा। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो कि सिडबी है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक जो हैं वो श्री मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और सिडबी की स्थापना की गई थी 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के तहत, और ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों पर फोकस करती है, उनके लिए ही वित्त पोषण के लिए बनाई गई थी सिडबी। ठीक है, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, तो सिडबी का मुख्यालय जो है वो हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश में 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को करने की योजना है, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है ऑप्शन सी इसका सही है, जो कि जापान है। जापान में इस वर्ष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मनाए जाएंगे और जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, RBI ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदकर बैंकिंग प्रणाली की तरलता बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए देने का निर्णय किया है, तो RBI ने अभी हाल ही में ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत 10,000 करोड़, ऑप्शन बी सही है हमारा, 10,000 करोड़ रुपए का निर्णय लिया है निवेश करने का गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर में। ओपन मार्केट ऑपरेशन का यूज़ RBI तब करता है जब RBI को मार्केट में फाइनेंस बढ़ाना हो या जिसको हम कहते हैं क्रेडिट बढ़ाना हो। ठीक है, साख की जब मात्रा बढ़ानी होती है RBI को, तो RBI ओपन मार्केट ऑब्लिगेशन या ओपन मार्केट ऑपरेशन का प्रयोग करता है, जिसमें RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर खरीदता है और जो पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं वो बैंकों में आते हैं, बैंकों से फिर मार्केट में जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से RBI ओपन मार्केट ऑपरेशन का प्रयोग करता है, ये आसान भाषा में हमने समझा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन ग्रहण करेगा, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर डी सही है, चीन जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करेगा मार्च 2020 के लिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों को P5 नेशन बोला जाता है, इनमें हमारे USA यानी अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन, या उसके बाद हमारा चाइना और रसिया या रूस, ये 5 जो कंट्री हैं वो P5 नेशन कहलाती हैं। और 10 नॉन P5 जो होते हैं उनके बारे में जानना आपको आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो 2 वर्ष में बदलते रहते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में, तो P5 आपको याद रखना है। ये 5 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी 1945 में 24 अक्टूबर को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो अरबी है, चाइनीज है, अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, रूसी है और स्पेनी है, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। हिंदी जो है संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है, और वर्तमान में इसके जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटरेस हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है, जो कि भारत है। भारत तीसरे नंबर पर विश्व में
बिजली के उत्पादन में। आपको कमेंट बॉक्स में फर्स्ट नंबर पर बताना है जो रिसेंटली डेटा पब्लिश किया है अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी एजेंसी ने। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और इसकी स्थापना की गई थी नवंबर 1974 में। वर्तमान में इसके 30 सदस्य देश हैं और इसका सचिवालय जो है वो पेरिस फ्रांस में है, या मुख्यालय जो भी है वो पेरिस फ्रांस में है। आपको फ्रांस के बारे में एक कोई इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, जो आपको सबसे ज़्यादा फ्रांस की इम्पॉर्टेंस लगती हो। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने हाल ही में कोरोना महामारी से निपटने के लिए एक विकासशील सदस्य देशों के लिए 6.5 अरब डॉलर का पैकेज देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन जो है वो सी सही है, एशियाई विकास बैंक ने आज मॉर्निंग में ये पैकेज देने की घोषणा की गई थी एशियाई विकास बैंक के द्वारा। विकासशील देशों के लिए है ये पैकेज, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बारे में हम ADB के बारे में कुछ जान लेते हैं, जो कि एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 को और इसमें वर्तमान में सदस्य देश हैं 68 और इसका मुख्यालय जो है फिलीपींस के मनीला में है, या मॉन्डलोंग सिटी जो है वो मनीला का एक शहर है उसमें है फिलीपींस के, ठीक है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो मात्सुतोगो अस्काबा हैं, जो कि एक जापानी नागरिक हैं और जो कि वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। इनको 17 जनवरी 2020 को अपॉइंट किया गया था और ये ADB के 10वें अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है? तो विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है हमारा 20 मार्च को, जो कि आज ही है, आज मनाया गया है। ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, जो कि आप अभी हमने डिस्कस किया था संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी, 1945 में की गई थी 24 अक्टूबर को, और 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना की गई थी संयुक्त राष्ट्र की। तो 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट है। 24 अक्टूबर को ही हमारा संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी विश्व प्रसन्नता दिवस की, हैप्पियर टुगेदर, सभी लोग मिलकर प्रसन्न रहें, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है आप इस इमेज में देख सकते हैं, 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत के किस पड़ोसी देश में 20 मार्च 2020 को 5.9 तीव्रता का भूकंप आया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो है डी सही ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा बी सही है, तिब्बत में है, ये तिब्बत में आया है रिसेंटली ये भूकंप 5.9 तीव्रता का। नेपाल से सटे इलाकों में भी कुछ महसूस किया गया है इसका भूकंप आज मॉर्निंग में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए मणिपुर के एक मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो है वो डी सही है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 142 का यूज़ करके मणिपुर के एक मंत्री को हटाया गया है राज्य मंत्रिमंडल पद से। तो मणिपुर के बारे में हम कुछ फैक्ट जो हैं वो जान लेते हैं। मणिपुर जो है पूर्वोत्तर का एक राज्य है, जिनको सेवन सिस्टर कहते हैं उनमें भी शामिल है ये, और इसकी राजधानी जो है वो इम्फाल में है, आप देख सकते हैं ये है इम्फाल। इसके मुख्यमंत्री जो हैं मणिपुर के एन बीरेन सिंह हैं और राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। उसके बाद हम जो सेवन सिस्टर हैं इनकी एक बार राजधानियां देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और मिज़ोरम की राजधानी है आइजोल, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और मेघालय की राजधानी है शिलांग और असम की राजधानी है गुवाहाटी। और उसके बाद असम की राजधानी कन्फ्यूज़न इसमें है शायद असम की राजधानी गुवाहाटी, ठीक है, और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। मणिपुर में एक नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि लोकटक झील में है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये इम्पॉर्टेंट है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है, एकमात्र भारत का तैरता हुआ एकमात्र नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि लोकटक झील मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन जो है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में SC ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को हटा दिया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने हाल ही में पदोन्नति में आरक्षण को हटा दिया है SC ST के लिए। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के लिए कितने स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दे दी गई है? तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है 83, यानी डी ऑप्शन सही है इसका। हमने डिस्कस किया था एक दिन पहले तेजस के बारे में, तेजस जो कि एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है
जिसको हल्का स्वदेशी बायो क्राफ्ट भी कहते हैं, और इसको बनाया गया है HAL के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। अब भारतीय वायुसेना जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से 83 तेजस लड़ाकू विमान खरीदेगी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, आंध्र प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राज्य पर्यटन का विकास निगम का चेयरमैन नियुक्त किया है? आंध्र प्रदेश के द्वारा अश्विनी लोहानी को हाल ही में राज्य पर्यटन के विकास निगम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के जो कुछ फैक्ट हैं उनको हम जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद, और राजधानी है हैदराबाद, और जो कि प्रस्तावित राजधानी हमारी इसकी है आंध्र प्रदेश की है अमरावती। भारत के सभी राज्यों में जो समुद्र तटीय राज्य हैं उनमें गुजरात की सीमा जो है समुद्र से सबसे अधिक है, उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है हैदराबाद। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि समुद्र से लगे राज्यों में सेकेंड नंबर पर कौन है, तो आंध्र प्रदेश सेकेंड नंबर पर है जो समुद्रीय बाउंड्री टच करता है, जो कि 972 किलोमीटर है। ठीक है, गुजरात की 1600 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश को भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश की क्योंकि जो अभी हाल ही में एक रेजोल्यूशन पास किया है सरकार ने कि कार्यपालिका राजधानी जो है वो विशाखापत्तनम में होगी, और राज्य विधानसभा जो है वो अमरावती में होगी, और हाईकोर्ट जो है वो कुरनूल में होगा। तो इस प्रस्ताव को पास